हमें बताएंगे? मामला जमीन का है, ये जो जमीन पे अपन खड़े हैं ना, ये जूना सर्वे नंबर 480 है। पहले पैकी होता था, फिर पार्ट कर दिया, फिर हिस्से नंबर डाल दिए, और ये जो सर्वे नंबर है रहे जब 480 जूना है और नया 112 है। मगर ये पहला तहसीलदार का कहना ये ऐसा है कि मेरी 111 है, मेरी इस पे आती है। मैंने इनको ऐसे कोर्ट के थ्रू नोटिस दिया था, कोर्ट ने नोटिस दिया था कि तुम्हारी जगह तुम आपके इनको दे दो, बाकी का तुम्हारी लो। 2017 में ये लोगों ने आज तक मैं इतने कोर्ट किया, कोर्टों ने ऑर्डर दिया, कोर्ट को भी नहीं मानते, मैंने जो कोर्ट फॉन्ट दिया वो भी नहीं मानते लोग। अभी एक दादागिरी से ये क्या बोलते हैं, नहीं ये जगह 112 दी है, 111 है तो ऐसे आप कोर्ट में बोलो ना, ऐसे दादागिरी क्यों करते हैं? अभी ये लोग इतने लोगों को काले काले कपड़े पहना के बाउंसरों को ला रहे हमको मारने के लिए, भाईगिरी करता था। उनके हृदय जेबों में हथियार तक है और उनके पास में आईडेंटिटी कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। ये बाउंसर किसके हैं ना? ये बाउंसर है रेजो नगर पालिका के है। उन्होंने कोई टेम्परेरी लगाया गया, उनको न कोई परमानेंट लगाया है, न कोई उनकी जो हाजिरी होती है मस्ट्रोल में या रजिस्टर में। इस तरीके की दादागिरी चली हुई है इधर। इन लोगों ने 3/6/19 को इन्होंने नोटिस दिया था कि यह जमीन हमारी आती है, इसलिए तहसीलदार ने। उसके बाद में इन लोगों ने 7/8 को दिया, हमने 7/8 और 3/6 की दोनों नोटिसों के ऊपर, पहले नोटिस था मेरा, ये बोलते थे इसको हम नहीं मानते। मैं नया स्टे लेके आया हूँ और स्टे ला के रहने दो, इनके दोनों के नोटिसों के विरुद्ध में मेरे को स्टे मिला और इससे भी ऐसा मिला कि मेरे अरे जो 13 तारीख को गई, 13 तारीख को इन लोगों ने दादागिरी किया, धक्के मुक्की की हम लोगों को, और ऐसे जबरदस्ती ताबा लेने के लिए अरे जो अंदर घुस रहे थे और मेरे झोपड़े ओपड़े भी सब तोड़ दिए इन लोगों ने। तो मैंने कोर्ट को दिखाया, कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि ये लोग ऐसे जबरदस्ती ताबा ले रहे। उसके बाद में भी हो गया, मेरे सर्विस करवा दी, नोटिस लग गए इनको, सब कुछ हो गया, स्टे लग गया, उसके बाद में भी दादागिरी करके गुजरे, कोर्ट को नहीं मानते। ये इसमें नगर पालिका के अधिकारी भी है, इसमें तहसील के भी अधिकारी है, इसमें कलेक्टर के भी अधिकारी है, इसमें सर्वे वाले भी है। सर नाम बता सकते हैं? नाम मेरे को इतना मालूम नहीं है कि मैं ये डिपार्टमेंटों को बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं तो एडवोकेट हूँ, बिल्डर हूँ, मेरे को इनके बारे में इतनी मालूम नहीं है किसका क्या नाम है। जी ये जो 13 तारीख को आप बता रहे आए थे तो उस टाइम पे क्या हुआ था? उसमें एडिशनल तहसीलदार था, तहसीलदार ने एडिशनल तहसीलदार को ऑर्डर दिया था तुम खाली करके लो ये जगह। इनके पास ऑर्डर की कॉपी? ऑर्डर कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास में, कोई पेपर नहीं है, खाली है जो पुलिस है इनके हाथ में। उस दिन 100 पुलिस लेके आए। मैं पढ़ा लिखा आदमी, मैं 1982 से ही शहर में रहता हूँ, वकील हूँ मेरे प्रोफेशन से, और मेरे विरुद्ध में 100 पुलिस लेके। मैं कोई गुंडा हूँ क्या आपने? कि मैं आतंकवादी हूँ और गुंडे आतंकवादियों के लिए तो 100 पुलिस नहीं जाता। आपने इसकी कंप्लेंट? इतना मेरा बेइज्जती किया इन लोगों ने, इतना मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है। आपने इसकी कंप्लेंट की थी अधिकारी को, किए उच्च अधिकारी को? हाँ मैंने कंप्लेंट वगैरह किया इन लोगों ने। और जो आप कह रहे हो कि बिना परमिशन के 13 तारीख को इन लोग आपके इसमें घुसे थे जमीन पर, तो आपने इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की है क्या? इन लोगों ने इनके कंप्लेने की है सरकार को, लेकिन सरकार का भी क्या चलने वाला है जब एनएसओ की इन लोगों ने एनएसओ कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे आज, ये देखो जीएसटी वाले हैं। आप ये बताइए कि जिस तरह से ये काम आप देख रहे हैं, जिस तरह से हो रहा है, पिछले 2-3 बार यहाँ पे तोड़ने के लिए आ चुके हैं, फिर वापस जा चुके हैं, ये क्या कहें? ऐसा तो नहीं है कि ये यहाँ का कोई लोकल नेता का कोई दबाव हो उसमें? मैं भारतीय जनता पार्टी के एक नगर सेविका के नाते और 37 साल इस राजनीति में मैंने दिए हैं, इस मीरा भाईंदर शहर के लोगों के प्रति, जनता के प्रति मैंने हमेशा धर्म निभाया है। तहसीलदार कार्यालय होने दो, तलाटी कार्यालय होने दो, मीरा भाईंदर महानगर पालिका होने दो, या तो प्रदेश का कार्यालय होने दो, कार्रवाई जो सरकारी अधिकारी है उसको कार्रवाई एज पर द लॉ करना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए उनको। जबकि कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया है, उसके बावजूद भी अगर तहसीलदार का अधिकारी और जिला अधिकारी अगर ऐसा बोलता है कि कोर्ट के आदेश को हम नहीं मानते और हम जबरदस्ती यहाँ ताबा लेंगे, तो निश्चित ही उनके ऊपर कोई ना कोई नेतागण का आशीर्वाद रहेगा ही रहेगा, उस नेता का अपना खुद का अपना स्वार्थ रहेगा। मुझे ऐसा लगता है
माननीय हमारे वड़ाप्रधान नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि अगर ऐसा नेतागण अगर भारतीय जनता पार्टी में है तो इनके खिलाफ कड़ी की कड़ी कार्रवाई करे और तुरंत ही ये स्थगन आदेश को मान्य करे और ये जो यहाँ जो भी कार्रवाई करनी है वो कायदेशी रीति से करे, जबकि दादागिरी और जबरदस्ती से ना करे, गुंडागर्दी ना करे। ये बीजेपी के नेता हैं जो आप जो बातों से लग रहा है कि जो यहाँ पे दबाव डाल रहे हैं वो बीजेपी के कोई नेता हैं? मैं ये नहीं कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है कि शिवसेना के है कि कांग्रेस के है कि राष्ट्रवादी के, जो भी पक्ष का नेता है अगर इस तरह की दादागिरी करने का और इस प्रकार का जबरदस्ती करने का अगर अपना स्वार्थ के लिए अगर सरकारी जो मिशन है, सरकारी जो कर्मचारी और अधिकारी उनका अपना वर्चस्व का फायदा उठा के अपना फायदा उठाने को देखेगा तो मैं जन आंदोलन के रूप में यहाँ खड़ी होंगी और अपने आपको जला के लूंगी अगर इस तरह का इधर जबरदस्ती और दादागिरी की गई तो। हुआ ज्यादा जब ये बंदोबस्त लेके आए थे तहसीलदार तो हम लोग अभी टाइम पे क्या करें, तो अपन कहाँ पे जाते हैं, लोकल एमएलए के पास जाएंगे या कोई लोक प्रतिनिधि उनके पास जाते, हम उनके पास गए थे तभी वो आए भी थे, उन्होंने उनको सब मालूम है पेपर ओके, उन्होंने मीटिंग भी किया कलेक्टर साहब से हमारे साथ में, हम लोग सब गए थे कलेक्टर साहब ने तभी क्या बोला कि इनका जगह किधर है, हमारा सर्वे नंबर जो है 112 इनका नंबर है 113 और ये जो आ रहे 111 के लिए लोग आ रहे, तीनों का मिलकर तुम सर्वे करो गवर्नमेंट पैसा भरो, ऐसा बताया गया लेकिन हमारे से पैसा लिया गया नहीं, उसमें भी क्या हुआ मालूम नहीं, हम लोग को सपोर्ट नहीं मिला पैसा भरने के लिए, हमारा पैसा लेते थे वो लोग, उनको गवर्नमेंट सर्वे करना पड़ता था लोग अलग अलग, तो एक्चुअली पोजिशन क्या है वो मालूम पड़ती थी लेकिन ये कोई चाहता नहीं करने के लिए, अगर ये लोग उनकी जगह लेने को आ रहे हैं तो हमारी जगह हमको कौन देगा, जो हमारी जगह है यहाँ पे जा रही है बोल रहे तो वो जगह हमारी किधर है वो हमको कौन ढूंढ के देगा, ये काम कलेक्टर का सबका ही है ना कि हम लोग खुद लेंगे कि आपस में झगड़ा करके, हम कैसे झगड़ा करते हैं, हम तो व्यापारी लोग हैं। आपसे सवाल ये है कि क्या आपकी जगह यहाँ के लोकल एमएलए ने आपसे खरीदने की कोशिश की थी? नहीं, खरीदने की बात नहीं की थी, तंगे सी बात नहीं हुई, हम हेल्प तो किया उन्होंने लेकिन अभी पिक्चर के पीछे क्या हो रहा है आप लोगों को आईडिया, किसके पेट में क्या है मालूम नहीं, आपको आपके ऊपर दबाव जो बनाया जा रहा है, दबाव हमारे पे दबाव किसी का नहीं है, ये प्रश्न खाली है कलेक्टर साहब के हिसाब से, जो तहसीलदार साहब जो लेके आ रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट से लेके आ रहे दबाव, अगर वो सच्चा गवर्नमेंट का प्लॉट है तो उनका इतना बंदोबस्त नहीं मिलता, 150 पुलिस दो प्राइवेट बॉडी गार्ड जरूरत नहीं है, दो पिंजरे लेके हम लोग आती लेकिन लोग है क्या बाउंसर आ रहे हैं प्राइवेट, इतना बंदोबस्त क्यों मांगता है और छुट्टी के दिन आ रहे हैं वो लोग बाउंसर कौन से छुट्टी के दिन प्राइवेट से कोई तो नाम देखा नहीं हम लोग सैनिक, ये सब दबाव तंत्र ला रहे हैं और दहशत पैदा कर रहे हैं हमारे के ऊपर, हम लोग व्यापारी लोग हैं कुछ दिन दो दिन में भी तहसील ऑफिस यहाँ आए थे, महानगर पालिका आई थी, जेसीबी आए थे, पुलिस आई थी, सारा चीज आ गए थे, फिर वापस चले गए क्योंकि स्थित था, आज फिर वापस आए हैं, उससे पहले भी शायद एक दो बार आ चुके हैं, तो क्या लगता है आपको कि इनको हरेसमेंट किया जा रहा है, जो भी आपने बात किया होगा अभी उनसे, तो अगर हरेसमेंट किया जा रहा है तो सोल्यूशन क्या होना चाहिए? ये देखिए अभी हमने जिनकी उनसे भी बात की और मुझे बहुत दुख है इस बात का और बहुत ही दुर्भाग्य इस शहर का कि आज जो लोगों ने इस शहर को बसाया है, जो भूमिपुत्र है इस शहर के और भूमिपुत्र के साथ नितिन ठाकुर जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, त्रिवेदी जी मेरे पिता समान है, यहाँ पे मेरे भी कार्यकर्ता की दुकान है और नितिन ठाकुर जैसे भूमिपुत्र यहाँ पे बांधकाम सभापति रह चुके, इस महानगर पालिका के पूर्व सदस्य रह चुके, नगर सेवक रह चुके, आज अगर ऐसे लोगों के साथ ये अन्याय और अत्याचार यहाँ के तहसीलदार और यहाँ के अगर प्रभाग अधिकारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ क्योंकि मैंने भी मालूम की है ये जो जमीन है इसमें से 90% जमीन प्राइवेट है, प्राइवेट लैंड है, ठीक है उसमें कोई डिस्प्यूट है, कोर्ट मैटर पेंडिंग है, कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, कोर्ट जो भी निर्णय करेगा वो निर्णय करेगा लेकिन उसके कोर्ट के निर्णय के पहले अगर कोई भी तहसीलदार, कोई भी प्रभाग अधिकारी, कोई भी नेता अगर इसके बीच में आता है तो ये सरासर गलत है और भविष्य में भी दो दिन पहले मैं मीरा भाईंदर के सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करूंगा, मैं उसे मुंबई में था मैं आ नहीं पाया था लेकिन जिस तरह से पत्रकार बंधुओं ने साथ दिया इनका, यहाँ के स्थानीय रहवासियों का, इनकी जो थोड़ा कार्रवाई को बचाई उसके मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन भविष्य में शिवसेना के माध्यम से मैं शिवसेना प्रवक्ता के रूप में बोल रहा हूँ कि शिवसेना इन भूमिपुत्रों के साथ है, इन व्यापारियों के साथ है,
इन कामगारों के साथ है, इन जमीन मालिकों के साथ है, इन पर किसी भी तरह का अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे। हमने भी हमारे नेताओं से बात करके रखी है और नेताओं से बात करने के बाद ही मैं यहाँ पर आया हूँ और हम इनके साथ हैं, इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे और इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। एक सवाल और है मेरा कि क्या यहाँ पर जो सत्ता है उनका दबाव ये तहसीलदार पे है, ये ऐसा कुछ लगता है आपको गणित? देखिए अभी तक किसी का नाम खुल के सामने आया नहीं है, लेकिन जिस दिन सामने आएगा फिर वो कोई भी रहे, हम अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए किसी